बच्चों कैसे हैं आप लोग। सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज कल्चर एंड सेल्फ। दोनों ही वर्ड आपको फेमिलियर हैं। कल्चर का मीनिंग भी आपको पता है कि जब एक पर्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी किसी कस्टम को, किसी ट्रेडिशन को, किसी बिलीफ को फॉलो करती है तो वो होता है उसका कल्चर। और सेल्फ में क्या आता है? सेल्फ में आते हैं हमारे पर्सनल गोल्स एंड पर्सनल नीड्स। हम अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट पर फोकस करते हैं, जो हमारे पर्सनल आइडियाज होते हैं वो सब आते हैं सेल्फ में। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो इसे समझने के लिए हम दो पर्सपेक्टिव देखेंगे। पहला आता है इंडियन पर्सपेक्टिव और दूसरा आता है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। अब देखो, इंडियन पर्सपेक्टिव में जो सेल्फ है उसने अपने आप को ग्रुप से जोड़ रखा है, यानी यहाँ पर सेल्फ और ग्रुप दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते। इंडियन कल्चर में जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम हमेशा अपने सेल्फ को किसी पर्टिकुलर ग्रुप से जोड़ देते हैं। हम कोई भी काम इंडिपेंडेंटली नहीं करते हैं। हम जब भी कोई काम करने की सोचेंगे तो पहले हम ग्रुप को कंसिडर करेंगे कि हमारे काम करने से उन पर क्या असर होगा। दूसरों की नीड्स, दूसरों की फीलिंग्स पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। अपने लिए नहीं जीते हम, दूसरों के लिए जीते हैं। कि अगर हम कोई काम करेंगे तो पहले ये सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, हमारे लिए ये काम सही है कि नहीं है। अगर हमें सही लगता है दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से तभी हम उस काम को करेंगे, अदरवाइज हम उस काम को नहीं करेंगे। यहाँ पर सेल्फ अकेला है लेकिन देखो चारों तरफ ये ग्रुप से घिरा हुआ है, यानी हम अकेले होते हैं। अकेले होते हुए भी अगर हम कोई काम पर्सनल लेवल पर करना चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम हमेशा ग्रुप को कंसिडर करते हैं। चारों तरफ हम यहाँ ग्रुप से घिरे हुए हैं। जब भी कोई काम करेंगे तो हम हमेशा ये सोचेंगे कि हमारे काम करने से दूसरों पर क्या असर होगा, हमारे काम के कॉन्सिक्वेंसेस से क्या किसी को कोई नुकसान तो नहीं होगा, दूसरे क्या कहेंगे हमारे काम के लिए। तो पहले हम दूसरों को कंसिडर करते हैं, उनके इमोशंस को कंसिडर करते हैं, उसके बाद हम कोई काम करते हैं। इसीलिए हम इसको कलेक्टिविस्टिक बोलते हैं। कलेक्टिविस्टिक क्या होता है कि जब भी हम कोई काम करेंगे सबको साथ लेकर के करेंगे। यहाँ पर हमारी बॉन्डिंग बहुत होती है, हमारे इमोशंस बहुत होते हैं। हम जब भी कुछ काम करते हैं पहले दूसरों की फीलिंग को कंसिडर करते हैं, उसके बाद ही हम कोई स्टेप लेते हैं। देखो हमारे इंडियन कल्चर में क्या है कि लड़की की शादी होने के बाद आफ्टर मैरिज वो अपने इन-लॉज के सामने सर पे पल्लू रखेगी, वो शादी के बाद साड़ी पहनेगी। यहाँ पर लड़की ने अपने सेल्फ को उस ग्रुप से जोड़ दिया जो कह रहा है कि तुम्हें शादी के बाद साड़ी पहननी है। ससुराल में सारे वो लोग, वो दूसरा ग्रुप है, वो उस ग्रुप से सेपरेट नहीं हो सकती है। वो ना चाहते हुए भी साड़ी पहनेगी, सर पे पल्लू रखेगी। क्यों ऐसा करेगी? क्योंकि इंडियन पर्सपेक्टिव में हम अपने सेल्फ को ग्रुप से सेपरेट नहीं कर सकते। ये दोनों को एग्जिस्ट होते हैं, एक साथ चलते हैं, यहाँ पर कोई बाउंड्री लाइन नहीं होती है। समझ में आया? तो जब भी हम इंडियन पर्सपेक्टिव व्यू से सोचेंगे तो हम हमेशा सेल्फ और ग्रुप को एक साथ रखेंगे, क्योंकि यहाँ हम अपने लिए नहीं जीते हैं, हम दूसरों के लिए जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर हम कोई काम करते हैं तो उस काम का लोगों पर क्या असर होगा, कहीं हमारे बारे में कोई गलत तो नहीं कह रहा है। देखो एक लड़की पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी उसको सर्विस मिल रही है कॉल सेंटर में, लेकिन वो वहाँ काम नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि वो पहले सेल्फ को कंसिडर नहीं करेगी, वो पहले उस कॉलोनी को कंसिडर करेगी, अपने मोहल्ले को कंसिडर करेगी कि जब मैं बाहर जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि ये रोज रात को बाहर जा रही है, ये पता नहीं कहाँ जा रही है, क्या काम करती है। यानी सेल्फ के लिए हम नहीं जीते हैं, हम हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं। ये हमारा इंडियन पर्सपेक्टिव है, इंडियन कल्चर है। देखो अब हम बात करते हैं वेस्टर्न पर्सपेक्टिव की। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में क्या होता है, जो सेल्फ होता है वो सेपरेट होता है और ग्रुप होता है वो सेपरेट होता है। यहाँ इन दोनों के बीच में एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, ये क्लियर बाउंड्रीज होती हैं। यहाँ पर सेल्फ के पर्सनल नीड्स होते हैं, पर्सनल डिजायर्स होते हैं, पर्सनल अचीवमेंट होते हैं, पर्सनल गोल्स होते हैं। यहाँ पर ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल जीरो होता है।
वो किसी भी काम में ग्रुप को इन्वॉल्व नहीं करता। वेस्टर्न कल्चर में हमेशा यही होता है कि जब भी आदमी सोचता है वो अपने बारे में सोचता है। देखो, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें शादियां बहुत जल्दी टूट जाती हैं, वहाँ मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती है, वहाँ पर बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत जल्दी सेपरेट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर सेल्फ का मेन फोकस होता है अपनी इंडिविजुअल नीड्स पर, इंडिविजुअल डिजायर्स पर। वहाँ इमोशंस और बॉन्डिंग बहुत कम होती है, दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के डिजायर्स पर कोई फोकस नहीं करता है, किसी को वो अपने पर्सनल अचीवमेंट में, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। इसीलिए वहाँ पर एक क्लियर बाउंड्रीज होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है बिटवीन सेल्फ एंड ग्रुप। दूसरों से वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होता है, वो कभी भी ये नहीं सोचते कि हम जो काम कर रहे हैं दूसरे लोग क्या कहेंगे उसके बारे में। उनको जो काम करना है वो करना है, कौन क्या कह रहा है उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हम उनको इंडिविजुअलिस्टिक बोलते हैं। उनका नेचर इंडिविजुअल नीड्स पर फोकस होता है, वो कभी भी कलेक्टिव नीड्स पर फोकस नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर फिक्स बाउंड्रीज होती है सेल्फ के बीच में और दूसरों के बीच में। हमेशा वो एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ करके रखते हैं, अपने जो उनके पर्सनल गोल्स होते हैं उनमें वो किसी को इन्वॉल्व नहीं होने देते हैं, कोई चाहे तो भी उनके पर्सनल गोल के बीच में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। क्लियर समझ में आया आपको कि कैसे कल्चर और सेल्फ इंडियन पर्सपेक्टिव में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ हम अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए जीते हैं। हम जब भी काम करेंगे पहले दूसरों के लिए सोचेंगे कि ये मेरे बारे में क्या बोलेंगे। और दूसरी तरफ आता है हमारा वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है कि सेल्फ और ग्रुप दोनों एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं, वहाँ पर एक क्लियर बाउंड्रीज होती हैं, दोनों अलग होते हैं, वो एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट नहीं। क्लियर? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, पर्सनालिटी। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रीफली तो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ डिटेल में हम डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी के बारे में। पर्सनालिटी एक लेटिन वर्ड पर्सोना से आया है। अब देखो पर्सोना का मतलब क्या होता है? पर्सोना का मतलब होता है मास्क। मास्क यानी जो हम अपने चेहरे पर मुखौटा लगाते हैं, जो चेहरे पर हम मास्क पहनते हैं उसे हम कहते हैं पर्सोना। अब देखो रोमन थिएटर में क्या होता था कि जो एक्टर्स परफॉर्म करते थे वो अपने चेहरे पर मास्क लगाते थे, और मास्क लगाने के बाद वो जो रोल परफॉर्म करते थे तो ऑडियंस की ये एक्सपेक्टेशंस होती थी कि जो मास्क उन्होंने पहन रखा है उसी का रोल वो परफॉर्म करे। देखो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जब आप रामलीला देखने जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक पर्सन ने रावण का मास्क पहना है, तो वो पर्सन एक्चुअल में रावण नहीं है, लेकिन उसने मास्क पहनने के बाद आपकी क्या एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि इसका जो रोल होगा वो रावण का होगा। यानी आपने उसकी पर्सनैलिटी उसके आउटर अपियरेंस से, उसके एक्सटर्नल अपियरेंस से जज की है कि ये रावण है। तो इसी तरह से एक लेमेंस की लैंग्वेज में हम पर्सनैलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? फिजिकल एंड एक्सटर्नल अपियरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। जब हम एक इंडिविजुअल के एक्सटर्नल अपियरेंस को देखकर जज करते हैं, उसके फिजिकल अपियरेंस को देखकर जज करते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। जैसे एक पर्सन बहुत गुड लुकिंग है, वेल ड्रेस्ड है, तो आप कहेंगे इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन साइकोलॉजिकल टर्म में किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए हम सिर्फ एक्सटर्नल अपियरेंस को जज नहीं कर सकते, वहाँ पर हम और चीजें भी जज करते हैं, जैसे पर्सन कैसे अडेप्ट करता है अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कैसे वो सिचुएशन को हैंडल करता है, कैसे वो रिएक्ट करता है, जब उसे कोई कुछ बोलता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है। तो साइकोलॉजिकल टर्म में हम कैसे डिफाइन करेंगे पर्सनालिटी? अवर वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशंस, कि हम किस तरीके से इंडिविजुअल को रिस्पॉन्ड करते हैं और किस तरीके से हम किसी भी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। जैसे कुछ लोग बहुत सेंसिटिव नेचर के होते हैं, कुछ बहुत शाई नेचर के होते हैं, कुछ बहुत क्वाइट होते हैं और कुछ बहुत हॉट टेम्पर्ड होते हैं। देखो पर्सनालिटी हर पर्सन की एक दूसरे से वेरी करती है।
कुछ लोग बहुत शाई नेचर के होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा हॉट टेम्पर्ड होते हैं। जरा सा आपने कुछ कह दिया एकदम उनका दिमाग गर्म हो जाता है, एकदम गुस्सा हो जाते हैं। कुछ बहुत कूल माइंड के होते हैं, आप चाहे कितने ही बोलते रहो, कितने ही कुछ डांट लो, कुछ नहीं कहेंगे, वो हर बात को बहुत इजीली ले लेते हैं, हर सिचुएशन को बहुत इजीली टैकल करते हैं। तो हर पर्सन की पर्सनालिटी एक दूसरे से डिफर करती है। इन सब पॉइंट्स को बेसिस रखते हुए आप इसके फीचर्स भी लिख सकते हैं। देखो पहला फीचर हम लिखते हैं, इट इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फीचर्स। जब भी हम किसी पर्सन की पर्सनालिटी डिफाइन करते हैं तो उसमें उसके फिजिकल फीचर्स को भी कंसिडर करते हैं और उसके साइकोलॉजिकल फीचर्स को भी हम कंसिडर करते हैं कि इस पर्सन का जो फिजिकल अपियरेंस है, इसका एक्सटर्नल अपियरेंस है, वो कैसा है और कैसे वो रिस्पोंड करता है सिचुएशन को। दोनों ही टर्म क्लियर करने के बाद हम पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिक बिहेवियर। यूनिक बिहेवियर में क्या होता है कि हर पर्सन का बिहेवियर यूनिक होता है, यानी हर पर्सन की पर्सनालिटी अलग अलग होती है। कोई पर्सन तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम को भी बहुत इजीली हैंडल करता है, वो पैनिक नहीं होता है, इजीली सॉल्यूशन निकाल लेता है, और कोई छोटी सी प्रॉब्लम को देख करके ही पैनिक हो जाता है। तो हर किसी का अलग अलग बिहेवियर होता है, कोई हॉट टेम्पर्ड होता है, कोई कूल टेम्पर्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट डज नॉट इजिली चेंज विद टाइम। देखो पर्सनैलिटी फॉर्मेशन के बाद वो इजिली चेंज नहीं होती है, जो पर्सनैलिटी आपकी बन गई वही हमेशा फिक्स रहती है। जैसे एक ऑनेस्ट पर्सन है, वो हमेशा ऑनेस्ट ही रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड सिचुएशन। चाहे कैसी भी सिचुएशन उस पर आ जाए, वो कभी भी डिसऑनेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो पर्सनालिटी है वो ऑनेस्ट मैन की है। वो हमेशा ईमानदार रहेगा, चाहे उसे कोई कितना भी लालच दे, वो बेईमान नहीं होगा। इसलिए पर्सनालिटी में एक बार जो फॉर्मेशन हो जाता है वो लाइफ टाइम होता है। लास्ट पॉइंट इज डायनेमिक इन नेचर। कई बार क्या होता है कि जब हम पर्सनालिटी में चेंज करते हैं तो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, हम जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपनी पर्सनालिटी में चेंज करते हैं। सपोज आपके बॉस ने आपको डांट दिया, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप बहुत हॉट टेम्पर्ड हैं, लेकिन आपने देखा उस सिचुएशन को टैकल करते हुए आपने वहां पर अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, तो वहां पर आपने अपनी पर्सनालिटी में एक टेम्पररी चेंज दिखाया। तो यहाँ पर पर्सनालिटी चेंज भी हो जाती है, लेकिन वो टेम्पररी नेचर के लिए होती है, परमानेंट चेंज नहीं होती है। अगर आप बॉस को रिएक्ट कर जाते, अगर आप भी गुस्से में आ जाते तो आपकी नौकरी को खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, अपनी पर्सनालिटी को कूल टेम्पर्ड कर दिया, लेकिन ये एक टेम्पररी चेंज था, ये परमानेंट चेंज नहीं था। तो जब भी हमारी पर्सनालिटी में चेंजेस होते हैं तो वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए होते हैं, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस वी अडेप्ट अवर पर्सनैलिटी। क्लियर? होपफुली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स विच आई हैव डिस्कस्ड यू। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा, आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स।